हाय गाइस, आप देख रहे हैं मलिक छोरी ब्रजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी मेरे नटखट मित्रों के समक्ष एक नया प्रस्तुतिकरण लेकर एक दिव्य ज्ञान की प्राकाष्ठाओं तक पहुँचाने के लिए आपके चक्षुओं के और आपके मस्तक तक उस चीज का प्रस्तुतिकरण करने के लिए। आज का दिव्य ज्ञान अलौकिक प्रस्तुतिकरण करता हूँ आप सभी के समक्ष, वो ये है कि एक बार ज्ञान की बात करेंगे, एक सत्य है जो इस पूरे ब्रह्मांड में उस चीज की सबको आवश्यकता है, उस चीज की प्राप्ति कराता हूँ। आपको अच्छा लगता हो तो पसंद करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, वो दिव्य ज्ञान है ठाकुर की प्राप्ति का मार्ग। देखो, एक बार एक राजा होते हैं, उच्च कोटि के राजा, उनको अपने स्थान पर अपने बच्चे की प्राण प्रतिष्ठान करके राज्य अभिषेक कर किसी उच्च कोटि के संत के पास गए कि हे ऋषि महाराज, मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ। मैंने अपना सारा कार्यभार अपने बच्चे को सौंप दिया है और मैं ठाकुर की भक्ति पाना चाहता हूँ। मेरा मन कहता है कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है। सुनिएगा आप गहराइयां इस बात का, मतलब का इसका परिणाम और इसका परिमाण मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। सब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी देख रहे हैं उन सब के समक्ष। तो ऋषि महाराज ने उसको अपने पास बुलाया और उसके कान में दिव्य मंत्र प्रस्तुतिकरण किया कि ये मंत्र का जाप करना और जाओ प्रभु की प्राप्ति करो। वो वन के नीचे वन में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमो कृष्णाय नमः का चिंतन मनन करने लगा और जाप करने लगा ठाकुर का नित्य नियम से रोज। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, एक महीना बीत गया, एक साल बीत गया, दो साल बीत गए, ऐसे चलते चलते 10 साल बीत गए, नहीं मिले ठाकुर। उठ गया अपने आसन से और ठाकुर श्री उनके पास, ठाकुर ही होते हैं वो भी संत महाराज, उनके पास जाता है क्योंकि ठाकुर की प्राप्ति करने के लिए किसी ना किसी सीढ़ी की, किसी ना किसी माध्यम की, किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है। इसीलिए संसार में ठाकुर जी ने गुरुओं को बनाया है, संतों को बनाया है, महंतों को बनाया है, ऋषियों को बनाया है कि ये मेरे माध्यम है, ये मेरे दूत है, ये मुझ तक पहुँचाएंगे। तो उनके पास पहुँचा, उनको प्रणाम किया, दंडवत किया, नमन किया और बोला, हे ऋषि महाराज, हे संत, हे स्वामी, आपने जो मंत्र दिया था उसमें दम नहीं है। क्या कहता है वो, दम नहीं है मंत्र में। क्यों? ऋषि महाराज चौंक के कहते हैं, क्यों दम नहीं है भाई? अरे भाई, मैंने तो 10 साल हो गए माला जप रहा हूँ, मैं तो भाई खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, किसी भी काम को नहीं किया, एक ही सिंहासन पे बैठा हुआ, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवताय नमः जप रहा हूँ। अरे ऋषि जी तो हंस रहे थे, उनको तो सब पता था, त्रिकालदर्शी थे वो, कोई ऐसे छोटे मोटे संत नहीं थे जो आजकल के भगवा वस्त्र पहनते हैं और प्रस्तुत हो जाते हैं संसार में कि मैं हूँ संत। हम नहीं पहनते हैं कोई भगवा, देख लो आपके समक्ष है, जींस पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, शूज पहनते हैं, हमें नडंबरों में नहीं पड़ते हैं और हम बड़े बड़े ऋषियों का मान मर्दन कर देंगे हमारे सामने आ जाए तो प्रभु की कृपा से, उसके ज्ञान से, उस सरस्वती की चेतना से। मैं किसी को नहीं मानता हूँ भगवान के अलावा, मेरा ठाकुर है मेरे साथ, नटवर नागानंदा, वो टेढ़ी टांग वाला माँ के बिहारी, वो है मेरा गुरु,
गुरु गोविंद आऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कृष्णम बंदम जगत गुरु, जो सब गुरुओं का भी गुरु है वो कृष्ण है, वो कृष्ण है मेरे। तो ऋषि महाराज हंसने लगे और अपने चेले को उन्होंने आवाज लगाई, जाओ घनश्याम दास, लोहे की तिजोरी के अंदर, लोहे की डिब्बी के अंदर पारस पत्थर रखा हुआ है, उसको लेकर आओ। राजा भी ज्ञानवान था, कोई मूर्ख नहीं था। राजा कोई मूर्ख को बैठा देंगे क्या सिंहासन पर? नहीं बैठाएंगे। डिब्बी में आ रहा है, वास्तव में लोहे की थी। मन में सोच रहा है राजा, मूर्ख बना रहे हैं, लोहे में रखा पारस पत्थर लोहे की डिब्बी में रखा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, सोना नहीं बने। महाराज जी से कहता है, महाराज जी, हे ऋषि महाराज, हे अतुलनीय, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। बोलो बोलो राजन, कि ये लोहे की डिब्बी में अगर पारस पत्थर रखा हुआ है तो वो सोना क्यों नहीं बना? जिज्ञासा हो गई उसके मन में, लालसा प्राप्ति के लालसा आ रही है, मन के अंदर पूछ रहा है सवाल। बोला ठहरो, धीरज रखो, अभी सब प्रस्तुतिकरण तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा, देखना समझना क्या है। डिब्बी लेकर घनश्याम दास जी चले आ रहे हैं और डिब्बी देते हैं उनके ऋषि जी के हाथ में, रख देते हैं उस डिब्बी को। लो देखो, डिब्बी देखते रूई में लिपटा हुआ पारस का टुकड़ा रखा हुआ है। और लेते हैं रूई, हटाते हैं और डिब्बी पे रह पाते के साथ ही सोना हो जाता है कंचन। देखते के साथ ही उसके चक्षु खुलते हैं राजा की। राजा से कहते हैं, जानते हो ये क्यों नहीं बना सोना? ये रूई है, ये पारस है, ये लोहा है। रूई के हटाते के साथ ही, लोहे के संपर्क में आते के साथ ही पारस ने उसको भी सोना बना दिया। तो यही अभिप्राय होगा मेरा कि अभी भी तुम माया मोह में लिप्त हो, तो ठाकुर की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक इसे रूई वाला आवरण अपने अंदर से हटाओगे नहीं, तो ठाकुर की प्राप्ति, उसकी चेतनाओं की प्राप्ति आप कैसे करोगे? अभी भी तुम आसन पर बैठते हो, तुम्हारा ध्यान वहीं जाता है कि मेरे सिंहासन पे किसी ने अपना आदित्य पत्र तो नहीं ग्रहण कर लिया? बच्चे को हटाकर मार काट कर सिंहासन पे बैठ तो नहीं गया वो कहीं? मेरी बीवी का क्या हुआ होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? ये है वो है, 50 बातें। बोले हाँ महाराज, यही आता रहता है। बोले तुम संन्यास नहीं ले सकते, ठाकुर की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। अभी तुम में लालच है, मोह है, माया है। इसका आवरण का पर्दा, तुम्हारी प्रस्तुतिकरण, तुम्हारी सारी आत्मा पे छाया हुआ है। जब तक तुम इसको दूर नहीं करोगे तो कोई चीज़ तुम्हारे मन से बाहर नहीं निकलेगी, तो घृण कैसे होगी? जब तक किसी डिब्बे के अंदर नया सामान डालने से पहले उस सामान को अपन खलाएंगे नहीं, तो नया सामान जाएगा कैसे? अब आप बताओ, आप उसमें नया सामान डालोगे तो फैलेगा ही फैलेगा, वो तो अंदर है ही जो था, और जो नया है वो आएगा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर फैलता रहेगा, नीचे नीचे फैल जाएगा, ऊपर छूते छूते अंदर तक नहीं पहुंचेगा, जड़ तक। तो इसी प्रकार से ठाकुर की प्राप्ति होती है। नया मेरा कहने का अभिप्राय ये है, अगर ठाकुर की भक्ति करते हो, चिंतन करते हो, रमण करते हो, उसकी विभवता का, उसकी अलौकिकता का, उसकी दिव्यता का, अपने मस्तक के अंदर, आत्मा के अंदर आनंद के सागर में गोदी लगाना चाहते हो, तो कितने भी ऋषि मुनि के पास पहुंच जाना, उद्धार नहीं होगा। ये उद्धार तुम स्वयं ही कर सकते हो, लेकिन दीक्षा गुरु से ही लेनी पड़ेगी, ज्ञान की, मंत्र की, चेतना की। अपने मन के अंदर एक ही चिंतन करो, पूजा करते हो तो पूजा में लगो, कोई भी क्रियाकलाप करते हो तो कोई भी क्रियाकलाप में लगो, जहाँ भी लगते हो
आत्मा से लगो, दिल से लगो, दिमाग से लगो, तीनों तारों को जोड़ दोगे तो सब मिल जाएगा। जिस प्रकार किसी भी लाइटिंग के लिए तीन तारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ठाकुर को पाने के लिए तीन तार की आवश्यकता होती है, दिल की, आत्मा की और सोच की। तो तीनों तार जिस दिन जुड़ जाएंगे तो ठाकुर ऐसे उपस्थित हो जाएंगे जैसे मैं और आपसे बात कर रहा हूँ। कोई नहीं काट सकता है उस चीज को। मैं तो छोटा हूँ, छोटा ही रहूँगा, नन्हा मुन्ना बालक हूँ। आज अभी यही है और आगे फिर नया प्रस्तुतिकरण करेंगे, ठाकुर की लीलाओं का गाथन भी करेंगे और आपकी के लिए नई नई प्रस्तुति प्रदान करेंगे, ठाकुर की प्राप्ति के मार्गों के साथ, दिव्यता के साथ, अलौकिकता के साथ। आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। जय सिया राम, जय राजा राम, जब बोलो जब राम ही राम। और बताओ क्या हाल है मेरे दोस्तों, आनंद में रहो, मनन में रहो, ठाकुर की सानी